अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में जो सबसे पहली जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आ रही है ईद उल अजहा को लेकर। खबर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनाउंस ईद उल अजहा हॉलीडे फॉर अवर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंस्टॉलमेंट की तरफ से दोस्तों कल अनाउंसमेंट किया गया था लगभग एक से दो दिन पहले ईद की छुट्टियों को लेकर लेबरों के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनको लेकर दोस्तों वहाँ पर किया गया था। दोस्तों खबर ये निकल कर ये आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनाउंस डेट ईद उल अजहा हॉलीडे फॉर वर्कर प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू द लेबर लॉ इज फुल्ली पेड 3 डेज। यानी दोस्तों 3 दिनों की छुट्टी के अनाउंसमेंट किया गया फुल्ली पेड दोस्तों तरह के तरफ तो वहां तक किया गया है। बताया जा रहा है विच आर मेंशन इन आर्टिकल नंबर 74 ऑफ द लेबर लॉ स्टिल बी अप्लाइड। तो इसी को लेकर दोस्तों आर्टिकल नंबर 74 जो लेबर लॉ में लिखा हुआ है उसी को अप्लाई करते हुए 3 दिनों की छुट्टियों को वहां पर दिया जा रहा है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है सुनूनू लॉन्च लार्ज स्केल इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 2023। दोस्तों आपको बता दूं एक आईटी इंडस्ट्री है जिसे सुनूनू कहा जाता है। मान के चलिए दोस्तों सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है, तो उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में की जाती है। तो उन कंपनी की तरफ से सुनूनू कंपनी की तरफ से दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया गया इंटर्नशिप। अब दोस्तों इंटर्नशिप यदि आप कभी भी कॉलेज वगैरह में गए होंगे तो इंटर्नशिप का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, पर यदि आपने कभी भी कॉलेज वगैरह में नहीं गया है, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो सुनूनू कंपनी की तरफ से दोस्तों इंटर्नशिप का वहां पे आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह जो भी चीजें इसमें हैं सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों यार साथियों एक ट्वीट है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे फनी ये आ रहा है। खबर दोस्तों ये है कि एक शोएब अशरफ के द्वारा ट्वीट किया गया इन कतर रन क्रेजी हाउ चीप थिंग आर कंपेयर टू दुबई। यानी दोस्तों इनके तरफ से ये कहा गया कि दुबई के मुकाबले में बहुत ही कतर जो है वो चीप है, यानी सस्ता है, जैसे कि खाने में, टैक्सीज में, इंटरटेनमेंट में। आई हैव बीन लिविंग इन ए डाउन टू ऑन लॉन्ग इन स्क्रीम। यानी दोस्तों बहुत ही काफ़ी, तो दोस्तों दोहा इज मोर अफोर्डेबल देन दुबई अकॉर्डिंग टू द ट्विटर यूजर। इनके तरफ से ये कहा गया कि दोहा जो है दुबई के अकॉर्डिंग दुबई मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए और टैक्सी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथ वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों जो फोटो देख रही आतिशबाजी आप लोग देखने को मिल रहा है, ये कतारा कल्चरल विलेज का दोस्तों आतिशबाजियां हैं, यानी फायर वर्क है। तो यदि आप लोगों ने देखा था तो मुझे कमेंट्स के समय जाके दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त तरीके से वहाँ पर फायर वर्क किया गया, आतिशबाजियाँ वगैरह जो हैं की गई। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।